हेलो टीना जी, हेलो निहारिका जी, राधे राधे जी, थैंक यू डियर फॉर शेयरिंग। हेलो सुनीता जी, हेलो अंजना जी, हेलो अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे जी सबको। सीइंग मी आफ्टर लॉन्ग टाइम सुनीता जी, मैं तो डेली लाइव आ रही हूँ। हेलो संयुक्ता जी, हेलो पारुल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिए एक एक बार। हेलो पूर्णिमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हेलो रजनी जी, प्लीज़ सभी लोग एक एक बार शेयर कर दीजिए और फिर हम टाई एंड डाई स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज़ धीरे आ रही है? किसी और को भी धीरे आ रही है क्या मेरी आवाज़? थैंक यू अंजना जी। हाँ बताइए प्लीज़, किसी और को भी स्लो आ रही है क्या वॉइस? थैंक यू मेघना जी, हेलो मंजू जी, हेलो संद्रा जी, थैंक यू सुचित्रा जी, राधे राधे जी सबको। थैंक यू सो मच मैम। क्लियर एंड लाउड तो मे बी आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा आपको नए इसका आज ही पता चला है, क्लियर है ना? तो ठीक है, आई थिंक डियर आपकी तरफ कोई इशू होगा या आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम चेक कीजिए। हेलो पापिया जी, ओम साई राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वीर कुमार जी, थैंक यू। प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है? देन फिर हम अपना टाई एंड डाई स्टार्ट करते हैं। आई होप सबने थ्रेड से अपना पैटर्न बना लिया होगा। हाँ क्लियर है ना? देखिए ये रहा मेरा पैटर्न, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है जो पूरा घेर आएगा शर्ट का, और ये शर्ट के फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है? मैंने इन सबको खींच के अच्छे से टाई कर दिया और पानी में डिप कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हेलो प्रिया जी, हेलो जया जी, हेलो दीपक सर। सर कल आपने सेशन नहीं ज्वाइन किया, कल हमने फैब्रिक कलर्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया और आज हम फैब्रिक पेंटिंग करने वाले हैं। तो सर आपकी पनिशमेंट, आज आपको डबल शेयरिंग करनी होगी, ठीक है? तो आज हम अपने शेड्स यूज़ करेंगे। जो शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो हमारे होंगे टील ब्लू, ब्लैक, सॉरी टील नहीं, टर्कोइश, टर्कोइश ब्लू, ब्लैक, पर्शियन ब्लू, सीरिलियन ब्लू। कल मीटिंग थी, ठीक है सर, कोई बात नहीं, माफ़ किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ब्लैक, टर्कोइश ब्लू, पर्शियन ब्लू, सीरिलियन ब्लू और येल्लो। येल्लो इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आप ब्लू के शेड रखना चाहते हैं तो देखिए आपका इस तरह का लुक आएगा। आपको ये दिख रहा है ना कुर्ती, कुछ ब्लू के इस तरह के शेड्स आएंगे। मुझे उसमें थोड़ा येल्लो का टच देना है तो आई एम यूजिंग येल्लो, अदरवाइज यू कैन स्किप येल्लो, है ना? व्हाइट उसमें ऑलरेडी रहेगा ही। हेलो मीनू जी, हेलो मनिका जी, प्लीज सभी लोग शेयर कीजिए। हेलो विनोद मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो कल्पना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जो भी शेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, और जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए।
चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बकेट लिखवाया था या टब, ठीक है ना। हाँ हेलो स्वाति जी, एक बकेट ले लीजिए या एक टब ले लीजिए। जैसे कि आई हैव दिस स्मॉल बकेट, मैंने इसमें अपने फैब्रिक को 2 घंटे के लिए डिप किया था। 2 घंटे बाद मैंने इस फैब्रिक को निकाल लिया, किसी भी बकेट में या उसमें डाल लीजिए। ये रहा मेरा फैब्रिक। अब मुझे इसको इतना अच्छे से निचोड़ना है कि इसका सारा एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाए। हेलो श्रेया जी, हेलो सारिका जी, प्लीज सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सारा पानी हमें निकालना है। पानी हमारे कपड़े में जितना ज्यादा होगा कलर का इफेक्ट उतना ही कम आएगा, इसलिए पूरा पानी अच्छी तरह से आप निकाल दीजिए, हमें पानी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैंने प्लास्टिक शीट डाल दी है ताकि मेरा टेबल भी स्पॉइल ना हो। हेलो स्वीजी जी, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। राधे राधे जी, कल्पना जी, राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी। देखिए ये रहा मेरा टर्कोइश, ठीक है। ये दोनों बॉटल्स निकाल लेती हूँ मैं टर्कोइश की। ये लेमन येलो है मेरे पास। हेलो इंदु जी, हेलो शिल्पी जी, हेलो वंदना जी, नो साउंड, नहीं स्पिन नहीं करना मशीन में, जस्ट हाथों से निचोड़ना है। बताइए मुझे आवाज किसको नहीं आ रही है। पर्शियन ब्लू जितने भी है मेरे पास मैंने सारा निकाल लिया। पर्शियन ब्लू, सिरिलियन ब्लू, मैं तो फुल लाउड बात कर रही हूँ जितना मैं हमेशा बोलती हूँ, तो किसको आवाज नहीं आ रही है ये बताइए मुझे प्लीज। क्लियर है ना, बस ठीक है फिर। हाँ ओके, देखिए ये हमारा है टर्कोइश ब्लू। इसके मेरे पास 3 शेड है, मैंने तीनों बॉटल्स निकाल ली कि कम ना रहे, ओके। और ये मेरा है पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू, और ये भी पर्शियन ब्लू है, और ये भी पर्शियन ब्लू है। इसके भी मेरे पास 3 बॉटल है, मैंने तीनों ले लिए। सिरिलियन ब्लू का मेरे पास 1 ही बॉटल है, मैंने वो निकाल लिया। और ये है येल्लो, ठीक है। बस इतने ही कलर्स हमें चाहिए। ब्लैक हम नॉर्मल कोई सा भी ब्लैक ले सकते हैं, ब्लैक मेरे पास है नहीं और हमें थोड़ा ही चाहिए, तो मैं नॉर्मल जो हमारा ये वाला ब्लैक होता है मैं ये यूज कर लूंगी, ओके। चलिए मैं कलर्स निकाल लूं। आप लोगों को शेड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ब्लू कैप लेना आप लोग, ब्लू कैप एक्रेलिक कलर्स। एक मिनट फैन ऑफ करना आके, स्लो कर दो। बॉटल से डायरेक्ट कलर नहीं लेना, एक नंबर बस। हाँ बॉटल से, एक नंबर, बॉटल से डायरेक्ट कलर नहीं निकालना। कलर को प्लेट में निकाल के और फिर उसको यूज करना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप बॉटल से लोगे तो आपका काम सही नहीं होगा। हमेशा निकाल लीजिए उसे, देखिए हमेशा प्लेट में निकाले क्योंकि थोड़ा ये थिक हो जाता है ना, क्रीमी हो जाता है, तो इसको प्लेट में निकाल लो और फिर इसे यूज करो तो बहुत अच्छा काम होता है। कोई भी काम आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैब्रिक पेंटिंग ही। मैं तो हमेशा पेंटिंग के लिए भी यही कहती हूँ कि कलर को प्लेट में निकालिए। कोई बात नहीं मृदु जी, अभी कुछ खास नहीं किया, जस्ट मैंने सिर्फ कलर्स नेम बताए हैं
और कलर्स को डिस्क्राइब किया है बस, और कुछ भी अभी नहीं किया है। कलर्स निकाल रही हूं मैं और उसके बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। आप लोग इतने शेयरिंग कर दीजिएगा सभी, ठीक? कुछ बॉटल्स मेरी खाली भी हैं। हेलो श्वेता जी, ड्रायर नहीं करना अपने कपड़े को आपने। अब देखिए मैं अब आपको इसको कलर करना बताऊंगी। ये देखिए, कोई अच्छा ब्रॉड ब्रश ले लीजिए। हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए बिकॉज हमारा कपड़ा ऑलरेडी गीला है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, जितना ज्यादा पानी आएगा कलर का इफेक्ट उतना ही कम आएगा। एकदम ब्रॉड ब्रश से कलर लगाइए। जो हमने पैटर्न बनाया था बस उसी के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल केयरफुली इसको टर्न करना है। हेलो सलमा जी, आपके हाथ साफ होने चाहिए, आपको ध्यान से इसको टर्न करना है। अभी मैंने कुछ भी स्क्वीज नहीं किया, जस्ट मैं कलर लगा रही हूँ इस पे। फर्स्ट मैंने लिया है ब्लैक, देन मैंने लिया है टर्कोइश। आपका बिल्कुल परफेक्ट शिबोरी स्टाइल आएगा, बहुत सुंदर और बहुत ही यूनिक सा, आपको बहुत पसंद आएगा ये पैटर्न। तीन कलर्स लगाए मैंने, कलर डीप में लेना है मतलब। अब मैं इसको स्क्वीज करूंगी, नहीं अभी नहीं, मुझे येलो कलर और चाहिए थोड़ा सा। और येलो के लिए मैंने साफ ब्रश लिया है। आप कल का देखिए सेशन, ठीक है? कल का सेशन देखिए, यहां मैंने येलो लिया है। ये मैं अपना शर्ट बना रही हूं। देखिए अभी मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, फिर भी मैंने उन्हें क्लीन किया और इस तरह से प्रेस कर दिया, ठीक है? येलो पार्ट हो गया। अब बाकी के सारे पार्ट में इस तरह से जैसे हमने इसको टाई किया है बस उसी तरह से इसको प्रेस कर दीजिए। अब हाथ को एक बार धो लीजिए। हाथों की क्लीनिंग पे बहुत ध्यान रखना है। हाँ सेम आप बेडशीट भी कर सकते हो, बिल्कुल। इसको उठाइए ध्यान से।
यहाँ पे क्लीन करिए। जितना टाइटली आप इसको दबाएंगे ना, आपका कलर दूर तक जाएगा। ये देखिए इतना सुंदर इसका इफेक्ट आएगा ना खुलने के बाद। मैं अभी इसे नहीं खोल सकती, है ना। प्रोसीजर एकदम सेम होता है हर चीज के लिए, किसी के लिए अलग प्रोसीजर नहीं है। ध्यान से सीखिए, आपको किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये वाला पार्ट हमारा हो गया, इसको मैं साइड में कर रही हूं। अब हम करेंगे नीचे का, है ना, ये वाला पार्ट। प्लीज शेयर भी कीजिएगा। देखिए मैं आपको पेड क्लासेस वाला सब्जेक्ट फ्री में करवाती हूँ, तो शेयरिंग तो आपकी बनती है ना, शेयरिंग तो करनी ही चाहिए। कलर एकदम ना प्लेट से दूर रखिए, मतलब कपड़े से दूर रखिएगा। क्लियर दिख रहा है ना आपको ये वाला पार्ट? देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? एक बार बता दीजिए मुझे, क्लियर दिख रहा है ना सबको? अब इसके दूसरी साइड भी आप येलो कर दीजिए, क्योंकि येलो के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्पॉइल होने के। तो एक बार येलो हमारा अच्छे से लग जाएगा तो हमें डर नहीं रहेगा फिर बाद में, क्योंकि मेरा टेबल छोटा है ना, तो वो फैब्रिक कई बार आउट ऑफ फोकस चला जाता है। यहाँ येलो लगा दिया मैंने सबसे नीचे, ठीक है। अब इसको एक बार क्लीन कर देते हैं। अब हम उसी रोटेशन से चलेंगे ऊपर से, यहां से ब्लैक, और ब्लैक को अच्छी तरह से लगाइएगा, देन टर्कोइश, जितना कलर होगा उतना ही इफेक्ट अच्छा आएगा, याद रखिएगा। कलर लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। अगर आप कलर कम लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका इफेक्ट भी कम आएगा। देखिए मैंने पानी नहीं लिया बिल्कुल भी, इट्स प्योर कलर। क्योंकि ये हमारे डायर वाले कलर नहीं है ना, इसलिए हमें पानी नहीं लेना है, जस्ट हमें कलर लगाना है। और जिस तरह से हमने अपनी टाई की है ना फैब्रिक, उसी के हिसाब से कलर लगाना है अपनी, उससे मत लगाइएगा। जैसे हमने फैब्रिक को टाई किया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मेरी बॉटल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। देखिए मेरे पास तीन तीन बॉटल थी, फिर भी वो सारी की सारी खत्म हो गई हैं। तो जो आपका मेन कलर होगा ना, वो आप थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा। ये थोड़ा सा कलर है ये मेरे पास, जो आपका मेन कलर है उसको आप थोड़ा ज्यादा रखिएगा। हमारा मेन कलर कौन सा है? टर्कोइश।
मेरी प्लेट इतनी साफ कैसे है? मतलब अभी तो कलर लग के गंदी हो गई। साफ मतलब मैं उसको रोज वॉश कर देती हूँ। आप उसको रोज वॉश करोगे तो वो साफ रहेगी, है ना। अब हमें कपड़े को प्रेस करना है। देखिए वीडियो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत से सिखाने का ना कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। अब इसको हमें प्रेस करना है फिर से। मेरी 2 बॉटल तो फुल थी चंद्रा जी। फुल नहीं, थोड़ी थोड़ी सी कम थी, मतलब एक एक बार यूज हुआ है तो एटलीस्ट 2 बॉटल आपके पास होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 बॉटल्स आपके पास होनी चाहिए, 3 ना भी हो पर 2 बॉटल्स तो जरूर चाहिए। ओके, अब इसको हम प्रेस करेंगे। प्लीज शेयर भी कीजिएगा। अब पहले मैंने हाथ क्लीन कर लिए तो मैं येलो वाला पार्ट प्रेस कर रही हूं सबसे पहले, क्योंकि येलो कलर के सबसे ज्यादा स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं और प्रेस आपको बहुत अच्छे से करना है। अब यहां मैं थोड़ा सा येलो रिपीट करूंगी। पहले मुझे अपने हाथ क्लीन करने हैं। टाई एंड डाई में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है हम लोगों को, कि हमारे हाथ एकदम साफ हो, वो किसी भी फैब्रिक के किसी भी पार्ट को स्पॉइल ना कर दे। आपके पास पानी खूब सारा होना चाहिए सो दैट यू कैन वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। और दो ढाई मीटर फैब्रिक में आपका बहुत अच्छा डाई हो सकता है। 2-2.5 मीटर फैब्रिक बहुत होता है आपको शर्ट वगैरह के लिए, किसी भी चीज के लिए, पर इतना होना चाहिए। और अगर आपको कुशंस करने हैं तो आई थिंक 1.5 मीटर में हो जाते होंगे शायद कुशंस। मैंने कभी कुशंस नहीं किए, मैंने हमेशा शर्ट्स की हैं, दुपट्टा, शर्ट और साड़ीज, ये ही डाई किया है बस, कुशंस नहीं किए। अब ये देखिए मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा मेरे हाथ से ये वाला पार्ट स्पॉइल हुआ है। अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हल्का सा येलो, ठीक। हमारा खुद का इनोवेशन है, कुछ भी हम कर सकते हैं, है ना। हमें किसी से पूछना थोड़ी है। अब यहां से भी पकड़ के फैब्रिक को इधर की साइड लेके और इधर इस तरह से, गीले में ही स्प्रेड कर दीजिए। हो गया? हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो। रेडीमेड प्लेन कुर्ती पे बहुत आराम से कर सकते हो। बस आपका फैब्रिक जो है वो प्री वॉश होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री वॉश फैब्रिक पे ही करना है हमें, विदाउट वॉश फैब्रिक पे नहीं करना। हाथ साफ है आपके तो इसको हल्का सा प्रेस कीजिए। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा सो दैट मुझे भी लगेगा कि जो मैंने इतनी मेहनत से सिखाया है आप लोगों को समझ आया और आपने उसकी वैल्यू भी की।
ये हमारा बहुत खूबसूरत सा एक पैटर्न बन गया। रियली ये बहुत सुंदर दिखेगा, पर इसको हमें खोलना अभी नहीं है। एक मिनट में हाथ धो लूं अपने। इसको हम अभी नहीं खोल सकते, एटलीस्ट 2 आवर्स तक, 2 घंटे बाद ही हम इसे खोलेंगे और इसको छाया में सुखाएंगे। धूप में नहीं सुखाना है, बिल्कुल शेड में सुखाना है एकदम। मैं आपको दिखाऊं इसका पैटर्न बिना खोले। देखिए बहुत ही सुंदर शेड्स आएंगे इसके जब ये खुलेगा। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये शेडेड, पर अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जब ये खुलेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? उसके नॉट करने के भी यही तरीके होंगे। किसके नॉट करने के? ये बिल्कुल अलग तरीका है जयश्री जी, ये बिल्कुल अलग तरीका है। जो पहले सिखाया था वो बिल्कुल अलग तरीका था, ये बिल्कुल अलग है। राधे राधे जी, राधा जी, राधे राधे जी। अब आप अपनी चॉइस के कलर्स ले सकते हो इसमें। मैंने तो अपनी चॉइस से कलर्स लिए हैं, आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। आई होप आपको पसंद आया होगा ये कलर कॉम्बिनेशन। अभी जब ये खोलेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। थैंक यू सरिता जी। और आपको अगर बेडशीट करनी है तो भी यही तरीका होता है। इसी तरह से फोल्ड कीजिए उसको, थ्रेड से उसमें रनिंग स्टिच कीजिए और रनिंग स्टिच करने के बाद उसको स्ट्रेच कर लीजिए। और फिर आपकी चॉइस है, आप रेड येलो का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ग्रीन के मोनोटोन्स ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो मोनोक्रोमेटिक। ये सभी मेरे ब्लू कैप वाले एक्रेलिक कलर्स है, फैब्रिक कलर्स ब्लू कैप, ठीक है? ऑल आर माय फैब्रिक कलर्स ब्लू कैप। तो इसको मैं खोलने के बाद आपको दिखाऊंगी। साड़ी का भी यही पैटर्न है पल्लवी जी, आप लोग एक बार ट्राई करोगे छोटे फैब्रिक पे, यानी कि शर्ट पे या बेडशीट पे, तो साड़ी अपने आप आ जाएगी। साड़ी के भी मल्टीपल फोल्ड्स बनेंगे, उन्हीं फोल्ड्स को फिर आप टाई करोगे और फिर आप उसको डाई कर सकते हो। ज्योति जी कोई बात नहीं, बट आप शेयर कर दीजिएगा। शायला मैम, आई एम नॉट शायला। हाँ जी जया जी, पटिया अभी 2 घंटे नहीं खोल सकती मैं इसको। मैं खोलने के बाद जब ये सूख जाएगा, इसे ऐसे ही मैं फैन के नीचे सुखाऊंगी, जब ये सूख जाएगा उसके बाद फिर मैं इसके थ्रेड्स कट करूंगी और फिर ओपन पिक आपको भेजूंगी। इन कलर्स के साथ डाई करना इज एब्सोल्युटली फन, बहुत मजा आता है। प्रिकॉशन सिर्फ 2 होते हैं कि एक तो फैब्रिक को हमें 7 डेज तक वॉश नहीं करना, आप पहन सकते हो बट वॉश नहीं करना। सेकंड प्रिकॉशन क्या होता है कि छाया में नहीं सुखाना है, सॉरी छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। बिल्कुल मैजिक होता है संद्रा जी, जब हम इसे खोलते हैं ना तो टाई एंड डाई इज जस्ट लाइक अ मैजिक, होता है ना छुमंतर ऐसा वाला, बहुत ही सुंदर लगेगा। बस ये 2 प्रिकॉशंस का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी इन कलर्स के साथ डाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पहले भी आपको काफी तरीके का सिखाया है और ये वाला पैटर्न तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। बट आप लोगों ने शेयर्स नहीं किए, बहुत ही लेस शेयरिंग है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। शेयर कर दिया कीजिए दिल खोल के, मैं भी तो आप लोगों को ओपन हार्टली दिल खोल के प्यार से हर एक चीज सिखाती हूँ, कभी कोई चीज हाइड नहीं करती। ऐसी टेक्निक्स तो लोग पेड क्लासेस में सिखाते हैं, वो भी 2-4 मतलब बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव, और मैं फ्री में सिखाती हूँ, तो प्लीज़ शेयर तो किया कीजिए।
कोई बात नहीं, आप कल का सेशन और आज का सेशन स्टार्टिंग से देखिएगा सरिता जी, आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ भी डिलीट नहीं करना, बट फॉर अ सेफ साइड आप लोग इसे कर लीजिए। नेवर नो कल क्या हो, इसीलिए टाइमली कर लीजिए। और मुझे वीडियो के लिए बार बार मैसेज मत कीजिए, मैं रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ, जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से, है ना? तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज़ मैसेज मत किया कीजिए कि हमें इसके वीडियो नहीं मिल रहे, उसके नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा। जो वीडियो मैं शेयर करती हूँ वो आपको नहीं चाहिए होते, कोई और चाहिए होता है तो मुझे नहीं पता चलता ना, और हर एक की रिक्वायरमेंट मैं फिल नहीं कर सकती। तो थोड़ा वेट कीजिए, सबको सभी वीडियोज़ मिलेंगे, बट रोज रोज मैसेज मत किया कीजिए, ठीक है ना? बस एक ही काम करना है आपको, रोज की वीडियो को शेयर करना है। देखिए जयश्री जी, मेरी तरफ से तो वीडियो सारे यही हैं, बट आई डोंट नो फेसबुक किस वीडियो को कब डिलीट कर दे, तो उसके लिए आप लोग अपना काम कर लीजिए टाइम से, ठीक है ना? तो मैं तो यही कहूंगी कि आज का काम आप आज ही कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए, और अगर किसी को मेरी कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन। ऑल क्लासेस आर अवेलेबल विद वेरी मिनिमम फी। और अगर किसी को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो यू कैन ज्वाइन। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पिन कर रही हूँ, ठीक है? 7060200401। पेंटिंग से अगर किसी को करना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरी क्लासेस का वर्क है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उल्टी मैं एक बार आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ, अगर किसी की भी चॉइस है ज्वाइन करने की तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही मेरा फैब्रिक सूख के तैयार होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी पिक। जैसे ही मेरी पेंटिंग सूखती है मैं सॉरी मेरा फैब्रिक सूखता है, मैं इसकी ओपन पिक आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है? ये सब मेरी क्लासेस के सब्जेक्ट हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी पेंटिंग्स सभी म्यूरल्स अवेलेबल है क्लासेस के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से। और इसकी क्लास मेरी चल रही है अभी, लाइव में ही है इसका, अभी 3 सेशन का ही काम हुआ है, बाकी इसका काम अभी होना है। तो अगर कोई इस पेंटिंग को ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। एक्रेलिक कलर से है, टेक्सचर सरफेस पे, और बहुत ही खूबसूरत मिक्स मीडिया है। अगर कोई भी ज्वाइन होना चाहता है इस क्लास को तो इसके लाइव सेशंस अभी चल रहे हैं, इट्स नॉट कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर आप चाहो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। साइज आप अपनी चॉइस से छोटा बड़ा बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और बाकी के ये सभी म्यूरल्स भी अवेलेबल हैं क्लासेस के लिए, ये तीनों ही। तो अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। बस प्लीज शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपना काम जरूर कर लीजिएगा, है ना? आज का काम आज ही कर लेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। मैं ओपन पिक शेयर करूंगी जब ये सूख जाएगा, इट्स नॉट ड्राई यट, बहुत गीला है ना अभी। हेलो हंसा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बट अभी क्लास हमारी खत्म हो रही है और कल मिलेंगे, इसकी ओपन पिक दिखाऊंगी।
ठीक है। फीस सरिता जी, फीस के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वहां पर आपको फीस स्ट्रक्चर बता दूंगी। ओके, हाउ टू ज्वाइन, बरखा जी मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैंने नंबर यहाँ पे पिन किया हुआ है अपना, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी। नंबर पिन है, हाँ, एक मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी पूरी डिटेल के साथ। फी इज वेरी मिनिमम और टाइम इज फुली फ्लेक्सिबल, आप आराम से कर सकते हो। चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा ज्वेलरी, मार्बल टाइल पे ज्वेलरी आर्ट का, क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग के सेशन के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, टाई एंड डाई तक हो गया हमारा, फैब्रिक पेंटिंग के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा ज्वेलरी ऑन मार्बल टाइल, तो उसका मैं आपको मटेरियल भी भेज दूंगी और साइज भी बता दूंगी जो मेरे पास है, आप अपनी चॉइस से छोटा बड़ा कितना भी ले सकते हो। टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगी, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आज कोशिश करूंगी मैं आज ही आपको मटेरियल लिस्ट भेज दूं, और हमारा फैब्रिक का पार्ट यहीं पे ओवर होता है। चलिए, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टीना जी, फैब्रिक सिखाऊं मैं, मगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं अब फैब्रिक पेंटिंग स्किप कर रही हूँ और हम लोग मार्बल टाइल का काम करेंगे, ठीक है ना। ओके जी, बाय बाय।